सर, एक तो सबसे पहले फीमेल होने के नाते बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारा जो समाज है वो लड़कियां जब कुछ करना चाहती है तो बहुत सारे बाधाएं उनके पैरों में जकड़ देते हैं जी। तो जो सामाजिक बाधाएं थी वो तो मैंने फेस किया ही, और पढ़ाई के दौरान भी, जैसे मेरी शादी हो गई थी, फिर मेरी एक बेटी भी थी और उसको लेकर के पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। सर, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और ऐसा लगता है कि अगर इंसान मन में ठान ले तो वो अपने सपनों को साकार कर सकता है। अच्छा, आरओ ऑफिसर, बहुत से लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता कि आरओ ऑफिसर है क्या, रेवेन्यू ऑफिसर। तो रेवेन्यू ऑफिसर जैसे कि लगता है कि नहीं, पैसे कलेक्ट करने वाला कोई ऑफिसर, तो क्या बताना चाहेंगे कि मेन क्या चीज़ होता है आरओ ऑफिसर? हम तो उस देश में रहते हैं जहाँ हमारे देश में झांसी की रानी अपने बच्चे को पीठ पर बांध कर अंग्रेजों से लड़ाई की है जी। तो ये हमें प्रेरणा देता है कि आप बच्चे के साथ भी बहुत आगे जा सकती हैं, अपने करियर में आगे बढ़ सकती हैं। आप, कैसा लगा आपको, बेटी आपकी बहुत नाम कमाई है और बहुत बड़ी ऑफिसर बनी है? बहुत खुश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। महिलाओं को तो मैं एक ही बात कहूँगी कि सिर्फ घर तक सीमित ना रहे, बच्चे और शादी भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है तो धीरे धीरे ही सही वो उनको उस ओर कदम बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरी बच्ची बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत है बच्चे से ही। सर, मैं तो सुबह उठती थी, फिर मुझे घर का काम भी करना पड़ता था, नाश्ता खाना जी। फिर झाड़ू पोछा भी करना पड़ता था, बर्तन भी धोने पड़ते थे, फिर मैं, मेरी बेटी थी उसको नहलाना, कपड़े धोना, फिर मैं खुद फ्रेश होकर के उसके बाद मैं पढ़ने बैठती थी, फिर खाने का टाइम होता था तो फिर खाना खाना, फिर बर्तन धोना, फिर मेरी जो बच्ची है उसके लिए कुछ तैयार करना खाने के लिए, फिर शाम का इस तरह से। क्या लगता है, एक महिला होने के नाते एक सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाना कितनी चुनौतियाँ हैं? माँ बाप बच्चियों को पूरी तरह से बराबरी का हक दे रही है, उसको पढ़ा रही है, उसका फल ही सायना है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बहादुरगंज की शाहिना बेगम, उन्होंने बीपीएससी हुई है परीक्षा, उसमें कामयाबी हासिल की है। सर, कभी कभी ऐसा होता था कि जब मैं हायर एजुकेशन की बात करती थी तो कुछ लोग ऐसा बोला करते थे कि ज्यादा अगर लड़की पढ़ लेगी तो फिर अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, जैसा कि है हमारे समाज में जी, फिर बाहर पढ़ने चली जाएगी तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि शादी परिवार या फिर करियर, इन तीनों में से अगर किसी लड़की को चूज करना हो, सबसे पहले क्या चूज करना चाहिए उनको? जी सर, ये मेरे स्कूल की बच्चियां हैं, मुझे बधाई देने आई है। रेशमा कुमारी। रेशमा कुमारी, अच्छा अच्छा, तो बधाई के लिए क्या लाए हैं संदेश? मिठाई लाए हैं। मिठाई लाए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगी? हमारी मैम बहुत अच्छी पढ़ाती थी, हम लोग को समझ में भी आता था। मैम कैसे पढ़ाती थी आपको? बहुत अच्छा, जो भी पढ़ाती थी हम लोग को बहुत अच्छा से समझ, और अपनी बेटी की तरह और हम लोग को। अरे वाह। सर, मेरा सपना एसडीएम बनने का है। एसडीएम बनने जी, का जी, तो उसके लिए मैं 70वीं एग्जाम में बैठूंगी। हाँ। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में, मैं हूँ फिरदौस गनी। जैसे कि आपको पता है कि अभी सीमांचल में सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रही है शाहिना बेगम, जो कि बीपीएससी परीक्षा पास करके आरओ ऑफिसर बनी है। आज हम इसके साथ मौजूद हैं और इनके घर पर आए हुए हैं इनका इंटरव्यू करने के लिए। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीबी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैम, आज बीपीएससी परीक्षा पास करके आप आरओ ऑफिसर बनी है, कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। जी जी, तो बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के दौरान आपने कितनी, कौन कौन से चुनौतियां हैं जो जिसको सामना करना पड़ा आपको? सर, एक तो सबसे पहले फीमेल होने के नाते बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारा जो समाज है वो लड़कियां जब कुछ करना चाहती है तो बहुत सारे बाधाएं उनके पैरों में जकड़ देते हैं जी। तो जो सामाजिक बाधाएं थी वो तो मैंने फेस किया ही, और पढ़ाई के दौरान भी, जैसे मेरी शादी हो गई थी, फिर मेरी एक बेटी भी थी और उसको लेकर के पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन फिर भी मैंने उन चुनौतियों का सामना किया और आज मैं इस मुकाम पर पहुंची। तो आप बीपीएससी शिक्षिका भी हैं, तो अब जब पढ़ा रही थी उसका अनुभव कैसा था आपका, कि पढ़ाने में ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है या फिर इस फील्ड में जाना हमको अच्छा? शुरुआत में जब मेरी बाहर ये चयन हुआ था एक शिक्षिका के रूप में, तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मैं बच्चों को पढ़ा पाऊंगी या नहीं, लेकिन जब मैं अपने स्कूल गई, वहाँ के बच्चों से मिली, देखी, फिर जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो फिर मुझे बहुत मज़ा आने लगा और मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाती थी और जो भी मेरे नॉलेज में आता था मैं उन्हें बताती थी। बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद अभी हाल फिलहाल आरओ ऑफिसर बनी है, तो आपका आत्मविश्वास और अनुभव के बारे में आप बता सकते हैं आप कुछ? सर, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और ऐसा लगता है कि अगर इंसान मन में ठान ले तो वो अपने सपनों को साकार कर सकता है जी। शादी के बाद एक बच्ची भी है आपकी जी, उसके साथ करियर को संवारना कितना चुनौतीपूर्ण रहा, क्या कहना चाहेंगे आप?
सर चुनौतीपूर्ण तो था, बहुत ज्यादा ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जो एकमात्र तो सुख होता है वो भी हर महिला के लिए आवश्यक है। और हम तो उस देश में रहते हैं जहाँ हमारे देश में झांसी की रानी अपने बच्चे को पीठ पर बांध कर अंग्रेजों से लड़ाई की है, तो ये हमें प्रेरणा देता है कि आप बच्चे के साथ भी बहुत आगे जा सकती हैं, अपने करियर में आगे बढ़ सकती हैं। आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अपने घर परिवार तक ही सीमित रह जाती है, आगे तो बढ़ना चाहती है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती हो? सर मैं ऐसी महिलाओं के गार्जियन से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने घर की महिलाओं को पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, जो भी पढ़ना चाहती है उन पर भरोसा रखें। और मतलब कि अगर वो कहीं बाहर आना जाना चाहती है, पढ़ना लिखना चाहती है, तो उन्हें भेजें, उनपे उनके पैरों पे बेरियां नहीं जक रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से ही कुछ बच्चियां आगे चल के हमारे जिले का नाम रोशन करे, हमारे देश का नाम रोशन करे, तो उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए। बीपीएससी परीक्षा के दौरान आपने कोई ऐसी रणनीति अपनाई थी जिसको आपको सफलता मिली, अगर बताना चाहें तो क्या ऐसी चीज कर रही थी जिसको आपको ये सफलता मिली है? सर मैं आंसर राइटिंग बहुत करती थी। अच्छा जी। क्वेश्चन आंसर लिखती थी पेपर से, न्यूज़पेपर से, और फिर मैगजीन से। और मैं एक युक्ति आईएएस है एक चैनल, तो वो सर न्यूज़पेपर एनालिसिस कराते थे और रोज एक क्वेश्चन भेजा करते थे। ऑनलाइन ही आप क्लास करते थे? और सर उस कोचिंग की फीस बहुत ही कम है। जैसे आज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, उनका पूरा एक साल का फीस सिर्फ 599 रुपया। एक साल का 599 जी। तो आप बाहर कहीं नहीं गई हैं कोचिंग के लिए? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी घर बैठे अगर चाहे कि हम भी इस तरह ऑफिसर बने या फिर इस फील्ड में जाए, तो घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है और ऑनलाइन सारा कुछ उपलब्ध है। और अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मार्गदर्शिका ले रही हैं, तो आपको उसको पूरे तन मन के साथ फॉलो करना चाहिए और जो भी टीचर बता रहे हैं उसको पढ़ना चाहिए। और अच्छा, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए क्या ऐसी जरूरी कदम उठाना चाहिए जो आप बताना चाहेंगी आप? महिलाओं को तो मैं एक ही बात कहूंगी कि सिर्फ घर तक सीमित ना रहें। बच्चे और शादी भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है तो धीरे धीरे ही सही वो उनको उस ओर कदम बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और अगर उस बीच में उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो डरे नहीं। आपकी जो बच्ची है, तो जाहिर सी बात है कि आपको ऐसी सलाह देना चाहेंगे अपने बच्ची को जो आप खुद अपने जीवन में वो चीज़ अनुभव कर किए हों? जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं यही बोलूँगी कि वो अपने ज़िंदगी का जो एक विजन है वो क्लियर रखे, उसे जो भी बनना है, और पूरे तन मन से और पूरे मतलब की तन्मयता के साथ उसको वो उसमें लगी रहे, लगन के साथ, और आगे बढ़े और किसी से भी नहीं डरे। बीपीएससी परीक्षा सफलता हासिल करने के लिए आपने अब दिनचर्या के बारे में आप बता सकते हैं कि कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी और क्या दिनचर्या थी आपकी? सर मैं तो सुबह उठती थी, फिर मुझे घर का काम भी करना पड़ता था, नाश्ता खाना जी, फिर झाड़ू पोछा भी करना पड़ता था, बर्तन भी धोने पड़ते थे, फिर मैं मेरी बेटी थी उसको नहलाना, कपड़े धोना, फिर मैं खुद फ्रेश होकर के उसके बाद मैं पढ़ने बैठती थी, फिर खाने का टाइम होता था तो फिर खाना खाना, फिर बर्तन धोना, फिर मेरी जो बच्ची है उसके लिए कुछ तैयार करना खाने के लिए, फिर शाम का इस तरह से, फिर रात में ही जाके मुझे रेस्ट मिल पाता था और उस वक्त मैं अच्छे से पढ़ाई करती थी 12-1 बजे रात तक। क्या लगता है एक महिला होने के नाते एक सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाना कितनी चुनौतियाँ हैं आपके हिसाब से, अगर आप बताना चाहें? सर चुनौतियाँ तो हर क्षेत्र में हैं, जैसे मैं अभी एक शिक्षिका हूँ तो इस क्षेत्र में भी काफ़ी चुनौतियाँ हैं, तो चुनौतियाँ हर क्षेत्र में, हमें उन चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं, ऐसी चीज़ है जो हमें इस सफलता को प्राप्त करने से रोकती है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कभी आपको ऐसी रुकआउट हुई है? सर कभी कभी ऐसा होता था कि जब मैं हायर एजुकेशन की बात करती थी तो कुछ लोग ऐसा बोला करते थे कि ज़्यादा अगर लड़की पढ़ लेगी तो फिर अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, जैसा कि है हमारे समाज में जी, फिर बाहर पढ़ने चली जाएगी तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप एक महिला हैं तो महिला के रूप में वो चीज़ आप अचीव कर ली जो आपने सोचा था, या फिर उससे आगे भी कोई प्लान है ऐसा कुछ? सर मेरा सपना SDM बनने का है। SDM बनने का? अच्छा अच्छा, तो उसके लिए मैं 70वीं एग्जाम में बैठूंगी। हाँ, तो SDM तो आप शुरुआत से भी बन सकती थी, उसके लिए तैयारी कर सकती थी, फिर स्टेप बाय स्टेप मतलब कि फॉलो करने की क्या जरूरत थी? सर तैयारी तो उसकी की थी, लेकिन 69th में उसकी एक भी सीट नहीं आई। अच्छा अच्छा अच्छा, वजह से जी। हाँ,
तो आप बीपीएससी पहले शिक्षक शिक्षिका बनी, तो आप शुरुआत में क्या सोच करके चले थे कि हमको शिक्षिका बनना है या फिर ऑफिसर बनना है? नहीं, मेरा शुरुआत से विजन था कि ऑफिसर बनना है सर। फिर बीच में एक, जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आपको प्लान बी भी रखना पड़ता है, क्योंकि ये अनिश्चितताओं का क्षेत्र है, कभी आपको सफलता भी मिलती है और कभी आप असफल भी होते हैं, तो इसलिए प्लान बी हमेशा तैयार रखना चाहिए। कोई ऐसा आपके दृष्टिकोण में, आपकी नज़र में जो ऐसा कोई किताब हो या फिर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको देख करके आप अपने आप को मोटिवेट होती हैं और कहती हैं कि नहीं, जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ? सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको देख के मैं मोटिवेट हुई हूँ, और हमारे इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिनको देख के मोटिवेशन मिलता है। और सर, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम थे, उनसे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ। अभी तो मोबाइल सबके पास है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मोबाइल का सदुपयोग करें और अच्छे अच्छे नोट्स ये टेलीग्राम पर उपलब्ध है उसको पढ़ें, और PT की तैयारी करें, और जब PT हो जाए तो रोज़ आंसर राइटिंग करें, और न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर पे भी फोकस करना चाहिए। जी। ऐसा क्या आपको लगता है कि शादी, परिवार या फिर करियर, इन तीनों में से अगर किसी लड़की को चूज़ करना हो, सबसे पहले क्या चूज़ करना चाहिए उनको? सर, लड़की अगर चूज़ करना के लिए मैं उन्हें कहूँगी तो सबसे पहले अपने करियर को। तो आप जैसे कि बताइए SDM बनने हैं, तो आपको मेन आपका फोकस SDM तक है कि और भी उससे आगे कुछ ऐसा है? सर, फिलहाल तो SDM तक है। फिर SDM तक है। अच्छा, आपके अनुसार महिलाओं को किस तरह की खुद को समाज में अपनी पहचान बनानी चाहिए, किस तरह से अगर आप बताना चाहें तो महिलाओं को, जी, या फिर उनकी सोच के हिसाब से या फिर उनके परिवार के हिसाब से चलना चाहिए, अगर आप बताना चाहें तो? उन्हें अपनी सोच के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन वो सोच समाज के लिए फ्रूटफुल हो, उत्पादक हो, ये नहीं कि कुछ उल्टा सीधा सोच हो उसको पूरा करने के लिए वो चले। और फैमिली को भी ये चाहिए कि उन बच्चों का सपोर्ट करें जो आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने करियर में कुछ बनना चाहती हैं। तो आज के युवाओं को आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो अपने करियर को लेकर के फोर्स करें, जो फोकस कर रहे हैं ऑलरेडी? जी सर, जो फोकस कर रहे हैं और जो नहीं फोकस कर रहे, दोनों के लिए मैं यही कहूँगी कि सोशल मीडिया का आप अच्छे से इस्तेमाल करें, फोटो खींचे, रील्स बनाएं, जो करना है करें, लेकिन उस पढ़ाई भी करें, और उस पर बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उपलब्ध, आप उसको पढ़ें। तो सोशल मीडिया से दुष्प्रभाव भी होता है आपके हिसाब से, अगर आप बताना चाहें तो? जी। तो अब आप कितना घंटा यूज़ करते थे सोशल मीडिया? सर, हम बहुत कम ही यूज़ करते थे। बहुत कम जी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता सोशल मीडिया उतना ज़्यादा यूज़ करना। सोशल मीडिया ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसे सीखने को कुछ मिलती है आपको सोशल मीडिया से कि नहीं? सोशल मीडिया पे जाते हैं तो उनसे हमको अपने करियर के बारे में कुछ सीखने को मिलती है? हाँ सर, बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले अपना चैनल टेलीग्राम पे बहुत सारे नोट्स और बहुत सारे बहादुरगंज में नहीं मिलते हैं, आसानी से टेलीग्राम पे आप उसको पा सकते हैं। बाकी परिवार का कितना सपोर्ट रहा है इस सफर तक आप तक? सर, मेरी जो बचपन से पढ़ाई है उसमें मेरे पापा का अहम रोल रहा है, वो बच्चियों को पढ़ाने के लिए हमेशा से तत्पर रहे हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं पढ़ो, या फिर वो कभी जल्दी शादी करने के भी इसमें नहीं थे, लेकिन समाज के बंदिशों के कारण उनको करना पड़ा, तो वो हमेशा ही हम बच्चियों के पढ़ाई के लिए जागरूक रहे हैं। अच्छा, RO ऑफिसर बहुत से लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता कि RO ऑफिसर है क्या, रेवेन्यू ऑफिसर। तो रेवेन्यू ऑफिसर जैसे कि लगता है कि नहीं, पैसे कलेक्ट करने वाला कोई ऑफिसर, तो क्या बताना चाहेंगे कि मेन क्या चीज़ होता है RO ऑफिसर? सर, इनका तो मेन काम जो होता है वो लैंड से रिलेटेड होता है, फिर जो आय जाती इनकम बनता है में इनका अहम रोल रहता है, और फिर सर ट्रेनिंग के बाद इन्हें CO के पोस्ट पे पदस्थापन इनका कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा। आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई है? अब क्यों शुरुआती बेसिक शिक्षा जो है मेरी आइडियल स्कूल से हुई है, और 10 मैंने गर्ल्स हाई स्कूल बहादुरगंज से किया है, और फिर सर मेरी जो इंटर की पढ़ाई है वो पूर्णिया महिला कॉलेज से हुई है, और मैंने ग्रेजुएशन नेहरू कॉलेज से किया है। जी, उसके बाद सर मैंने डिस्टेंस मोड से MA भी किया है इकोनॉमिक्स से, उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो शादी के बाद मैंने BEd की पढ़ाई जम्मू यूनिवर्सिटी से किया है। तो कहा जाता है कि महिलाओं की शादी होने के बाद वो घर के बंदिशों में ही बंद करके रह जाते हैं, आप शादी के बाद फिर अपना करियर को और भी आगे बढ़ने के लिए सोचा और चूज किया, तो ससुराल की तरफ से कोई ऐसा रुकावट? नहीं सर, ससुराल की तरफ से तो ऐसी कोई रुकावट नहीं थी, हस्बैंड चाहते थे कि कुछ बने, क्योंकि मेरे जब वो मुझे देखने आए थे तो मेरे पापा जो हैं लड़के से यही बात किए थे कि मेरी बेटी आगे पढ़ना चाहती है तो आप लोग पढ़ाएंगे, उन्होंने हाँ बोला था। तो
आपकी शादी जो बीपीएससी निकालने के बाद ट्राई टू के निकालने के बाद हुई है, उससे पहले हुए थे? उससे पहले हुई है सर। उससे पहले हुए थे तो आपको पति की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट रहा जी? अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत सारे लंबे इंटरव्यू हो जाएगी और बाकी इस इंटरव्यू को यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं हूँ फिरदौस गनी, मेरा सहयोगी है मैशर आलम और ये थी मैम शाहिना बेगम। आपका इसके बारे में क्या कहना है? जो भी हम दोनों के बीच में बातें हुई, आप भी अपने सभी तरीके से अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। शाहिना बेगम के माता पिताजी हैं और इनसे भी हम जानकारी चाहेंगे इस बारे में। सर, कैसा लगा आपको? बेटी आपकी बहुत नाम कमाई है और बहुत बड़ी ऑफिसर बनी है। बहुत बढ़िया लगा। तो क्या कहना चाहेंगे? बेटी की ये तो खैर मेहनत तो है ही है, आप लोगों की तरफ से नहीं, हम लोग जो हम लोग बोल रहे तुम पढ़ो जी, जैसा जो करना है तुम करो, हमारे साथ कोई बंदिश नहीं, कोई बंदिश नहीं, नहीं। तो हमारे समाज में देखा जाता है कि यहाँ पर लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो वो चार दीवारी में ही बंद करके रह जाते हैं। ये कुछ मजबूरियाँ है यहाँ जो मजबूरियाँ हैं, जो चाहते हैं कि जीवन का नहीं इतने में पढ़ कर रहो। और लड़कियाँ यदि लोकल में यदि बढ़िया जीवन हो ना, तो यहाँ की भी लड़कियाँ जो है ना अच्छी तरह से पढ़ ले। जैसे हम पूर्णिया में डाले, वहाँ पर पूर्णिया में महिला कॉलेज में। अच्छा, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपनी बेटी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है हमारे समाज में, क्योंकि वो सोचते हैं कि बेटी है बस उसकी शादी तक ही उसका काम ख़त्म? यहाँ के लोगों को जो है ध्यान देना चाहिए, अपनी बच्चियों को जो है पढ़ाना चाहिए, जितनी भी लड़कियाँ हैं सब लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए और लोग जो है दिल जान से पढ़ाना चाहिए, समय लगा सके। तो चाची, आप बेटी आपकी बहुत नाम रोशन की है, बहुत बड़ी ऑफिसर बनी है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, अल्लाह के लाख लाख शुक्र है। मेरी बच्ची बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत है बच्चे से ही। आप लोगों की तरफ से कोई बंदिश नहीं? कुछ नहीं, नहीं नहीं, हाँ बहुत मेहनती है वो, पढ़ाई के अपना जान जीवी लगा दी पढ़ाई के ऊपर। और कभी हम लोग नहीं बोले कि तू पढ़ो या मत पढ़ो या पढ़ने बैठो, ये कुछ भी नहीं बोला बहुत। और ससुराल वाला भी अच्छे मिले कि शादी, हाँ सब शादी के बाद भी मतलब पढ़ने का मौका मिला। यहाँ पर शाहिना बेगम को बधाई देने के लिए प्रोफेसर मुसब्बिर साहब भी आए हुए हैं, और सर क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, हम लोगों के लिए फख्र और गौरव की बात है जी, कि हमारी बीच की एक बच्ची बहुत दिनों बाद बीपीएससी क्वालिफाई की है। इसके लिए बच्ची के साथ साथ इनके माँ बाप जो हैं उनका परिश्रम, उनकी मेहनत के लिए हम लोग उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। साथ ही साथ इस बच्ची के लिए दुआ करते हैं कि ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए, पढ़ाई में से लेकर के अपने निजी ज़िंदगी में भी इसका संघर्ष सफल हुआ, आगे ये फले फूले और बेहतर करे आगे चलकर, यही शुभकामनाएं उनको हम लोग देते हैं। सर, हमारे समाज में देखा जाता है कि बेटियों को ज़्यादा तरजीह नहीं दिया जाता है बेटों के मुकाबले, और बेटियों की जो शिक्षा है वो लिमिट तक, एक लिमिट रख दी जाती है। लेकिन अभी के ज़माने में क्या है कि बेटियां भी आगे बढ़ रही है और अपने दम पर आगे बढ़ रही है, लेकिन उन माँ बाप को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो अपनी बेटियों पर पहरा लगा देती हैं और आगे चाहे पढ़ाई के मामले में हो या फिर किसी और चीज़ के मामले हो आगे बढ़ने नहीं देना चाहती हैं? ऐसा था कुछ दिन पहले, समझे, लेकिन पिछले कई दशकों से हमारे यहाँ भी ये वातावरण जो था वो समाप्त हो चुका है। माँ बाप बच्चियों को पूरी तरह से बराबरी का हक दे रही है, उसको पढ़ा रही है, उसका फल ही शाहिना है, समझे। और कहीं ना कहीं तो है कि दो जो जेंडर है हमारा अपोजिट है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो गार्जियन को चिंता और फिक्र रहती है, उसे हमारे बच्चियों को भी जो बालिग हो गई है उसको भी समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारी है। हम मोटा मोटी, मैं कॉलेज का टीचर भी रह चुका हूँ, जो ही हाई स्कूल से बच्चियाँ या बच्चे हमारे कॉलेज में पहुँचते थे, पहला क्लास में उसका यही लेता था कि अब तक तुम हाई स्कूल में थे, तुम्हारा गार्जियन तुम्हारा टीचर था, तुम्हारे माँ बाप थे, अब तुम्हारा गार्जियन न हम है न तुम्हारा माँ बाप है, अब तुम कॉलेज में आई हो इसलिए तुम अपना गार्जियन हो, तुम अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको देखो। तो मैं कहूँगा कि वो समझेगी अपने को और समझ रही है, आने वाले दिनों में और बेहतर हमारा समाज करेगा। और सभी माँ बाप से हम कहना चाहते हैं कि बेटा बेटी बराबर है। आजकल तो मैं ये कहूँगा, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ गरीबी के कारण बच्चियाँ तो पढ़ लेती है, सरकार ने कुछ सुविधा भी दिया है, स्कूल में
कपड़ा मिल गया या साइकिल मिल गया, पोशाक मिल गया, हो रहा है, लेकिन मजबूरी के तहत 10 से 12 साल का बच्चा आपको पलायन कर रहा है मजदूरी के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो उसका चूल्हा नहीं जलेगा परिवार का। तो आज तो बच्चों के साथ हो रहा है, बच्चियां तो घर में रहती है तो मजबूरी में भी माँ बाप कहता है जाओ स्कूल जाओ, वो तो काम करने नहीं जाती है तो कुछ पढ़ लेती है, आज बच्चों के लिए मुसीबत आ चुका है। उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो बड़े होकर के ऐसी ऑफिसर बनना चाहते हैं लेकिन वो किसी कारणवश नहीं बन पाते हैं या फिर रोक लगा दी जाती है उन पर, उन बच्चों के लिए? देखिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा। उन तमाम बच्चियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो साइना से प्रेरणा ले कि जिंदगी में उनके हालात में तरह तरह की बाधाएं आई, तरह तरह के रुकावटें आई, उस रुकावटों को झेलकर भी वो एक अच्छे जगह मुकाम पर पहुंची, जो उन लोगों के लिए एक सबक है। हम सभी बच्चियों को कहेंगे कि उनसे प्रेरणा ले, उनसे सबक ले और अपने जिंदगी को अच्छा बनाने के साथ साथ अपने बाप माँ परिवार के लोगों का भी नाम ऊंचा करें। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बहादुरगंज की शाहिना बेगम जो हमारे लीडर सरफुद्दीन साहेब की बेटी है और उन्होंने BPSC 69वीं जो एग्ज़ाम हुई है परीक्षा उसमें कामयाबी हासिल की है और कामयाबी हासिल कर उस एग्ज़ाम को क्रैक करके वह RO जो रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर उनका चयन हुआ है। तो हम उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, उनके वालिद मोहतरम और उनकी माँ और उनके पूरे परिवार को, उनके हस्बैंड को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप सबके सहयोग से वह ये काम कर पाई और उनकी इस कामयाबी से हम लोग का जो है पूरा समाज जो है बहुत खुश है। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैम, ये आप स्टूडेंट है क्या यहाँ पर आई हुई? जी सर, ये मेरे स्कूल की बच्चियाँ हैं, मुझे बधाई देने आई है। तो ये कितने क्लास में पढ़ती है सर? ये इस बार 10वीं का बोर्ड देंगी ये लोग। 10वीं का बोर्ड देंगे तो हम बच्चों से पूछना चाहेंगे कहाँ से आओ? सेमटोला। तो मैम को बधाई देने के लिए आई हूँ। जी सर। तो खाली हाथ आई हो कि कुछ और भी साथ में लेकर आई हो? कुछ और भी लाए थे। और भी लाए थे? अरे वाह। तो कैसा लग रहा है मैम, आपकी ऑफिसर बनी है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों तो फिर पढ़ाने नहीं पाएगी ना? जी नहीं। तो फिर ये तो आप लोगों के लिए दुख की बात हुई ना? जी सर, बहुत ज्यादा दुख की भी बात है तो खुशी की भी बात है। वाह, कहाँ से आए हो? धीमटोला से। तो कैसा लग रहा है आपको मैम ऑफिसर बनी, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा लग रहा है, बधाई देने के लिए आए हैं। जी हाँ। तो आप सब ढीमटोला से आई हैं क्या? जी। अच्छा अच्छा, जो बच्चे को दो। हाँ, ढीमटोला से। क्या नाम हुआ? रेशमा कुमारी। अच्छा अच्छा, तो बधाई के लिए क्या लाए हैं संदेश? मिठाई लाए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगी? हमारी मैम बहुत अच्छी पढ़ाती थी, हम लोग को समझ में भी आता था। अच्छा अच्छा, तो समझाता था बढ़िया। जी। तो आगे चल करके आपको क्या बनना है? अभी कुछ डिसाइड किए? सोचे नहीं सोचे? हाँ, तो अभी से सोच के रखोगे तब ना आगे उसी पर काम करोगी क्या? आज घर जाओगे ना तो सभी सोचना कि हमको आगे चल करके क्या क्या करना है, ऑफिसर बनना है, मैम के जैसे बनना है, टीचर बनना है। जी सर। उस पर बस शुरू कर देना है। और बच्चे को दो सामने वाली। हाँ, कैसा लग रहा है बाबू? बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ? बबली कुमारी। अच्छा, अभी वही से हैं? जी। अच्छा अच्छा, कुछ डिसाइड किए हैं क्या बनना है आगे चल करके? बीपीएससी टीचर बनना है। वाह, चलिए आपने कम से कम डिसाइड तो किए। और बाकी मैम कैसे पढ़ाती थी आपको? बहुत अच्छा, जो भी पढ़ाती थी हम लोग को बहुत अच्छा से समझ और अपनी बेटी की तरह। और हम लोग, अरे वाह।